हेलो गाइस, वेलकम टू थकतेल्स 360। आई नो आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम काम की वजह से लाइफ की ऐसी लग गई है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, फिर भी आई एम ट्राइंग, होपफुली जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। खैर आते हैं अब मुद्दे पे। तो शैतान मूवी मैंने कल शाम को देखी अराउंड 7:30 PM एंड भाई साहब इट गेव मी चिल्स। मूवी जब अनाउंस हुई थी तब ऐसा कहा जा रहा था कि ये एक गुजराती मूवी वश का रीमेक है। मैंने तो वश नहीं देखा है, अगर आपने देखा है तो बताना कैसी है। बात करें शैतान की तो अजय देवगन एस कबीर अपनी फैमिली यानी वाइफ एंड दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी वेकेशन मनाने के लिए देहरादून में एक फार्म पे जाते हैं और रस्ते में ही उनकी मुलाकात होती है बनराज यानी आर माधवन से। इनिशियली तो उनकी मुलाकात एकदम नॉर्मल वे में होती है, बातचीत होती है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगती है जब वो अचानक कबीर के फार्म हाउस में आता है और वशीकरण करके उसके बेटी जानवी को अपने वश में कर लेता है, जैसे वो बनराज की कठपुतली हो। जानवी, अपने पिताजी को जोर से छावड़ मार दो। और उसे वो अपने साथ ले जाना चाहता है। कैसे इस अंधे की शक्ति का सामना कर पाएगी एक नॉर्मल फैमिली? क्या बनराज अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? कहानी बेसिकली इसी के अराउंड है। मूवी का स्क्रीन प्ले काफी एंगेजिंग है। फर्स्ट हाफ तो कैसे चला गया पता भी नहीं चला। थ्रिल एलिमेंट्स काफी अच्छे से ऐड किया गया है। आप सोचते रहोगे कि आगे क्या होने वाला है। कबीर एंड उसकी फैमिली बचेगी भी तो कैसे बच पाएगी? इतना ज्यादा ओवरपावर्ड है बनराज। ओवरपावर्ड से याद आया, सीरियसली आर माधवन ने वन ऑफ द करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। ही हैज आउटशाइन्ड अजय देवगन इन दिस मूवी। वो सच में क्रीपी लग रहा था। बोलने का तरीका, हंसने का तरीका विल गिव यू चिल्स। तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो? मैं कौन हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? उसके बाद तारीफ करनी पड़ेगी जानवी की, प्लेड बाय जानकी बॉडीवाला, और उसी ने ओरिजिनल गुजराती मूवी वश में भी सेम कैरेक्टर प्ले किया था। मानना पड़ेगा ये कैरेक्टर काफी डिफिकल्ट था और जानकी ने उसे बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है। मूवी को डायरेक्ट किया है विकास वहल ने, जिनकी लास्ट मूवी थी द लेजेंडरी गणपत। शैतान की वजह से काफी हद तक उन्होंने अपनी गलतियां सुधार ली। देखते हैं अब ओम राहत क्या करता है। मूवी का विजय मुझे काफी अच्छा लगा। शैतान थीम मेजर हाईलाइट है। बाकी हॉरर की बात करें तो मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मूवी में एक थ्रिलर मूवी बोलूंगा रादर देन हॉरर, बट येस समथिंग न्यू जिसको एक बार थिएटर में जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। मेरी तरफ से मूवी को 3.5 out of 5 star। बाकी अभी मैं ज्यादा मूवी या सीरीज को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, बट नेक्स्ट वीक मैं योद्धा देखने जरूर जाऊंगा तो उसका वीडियो भी जरूर आएगा। थोड़ा लेट आ सकता है लेकिन जरूर आएगा। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो देन एक कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट।